खुशखबर खुशखबर खुशखबर, प्याज किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जो कि उनके प्याज के दाम अभी औने पौने भाव पर बिक रहे थे उनमें काफ़ी अच्छे से उछाल ला सकते हैं और एक सम्मानजनक भाव पर प्याज को बिकवा सकते हैं। ऐसी खुशखबरी अभी आई है क्योंकि प्याज का निर्यात सरकार ने खोल दिया है, जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रतिबंधित कर रखा था, जिसके कारण किसान भाई को मिट्टी के दाम या जो है पानी से भी कम भाव पर प्याज को बेचना पड़ रहा था। पर अब उनके दिन बदलने वाले हैं, तो प्याज का निर्यात चालू हो चुका है, किसान भाइयों को यही खुशखबरी देने का अवसर आया है। और प्याज का कितना निर्यात होगा, प्याज का निर्यात कब तक चलेगा, इसका प्याज के भाव पर कब तक और कितना असर पड़ेगा, उसकी सभी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सअप फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सके और हमारी मेहनत सफल हो। और खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी बिना देरी के प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, प्याज किसानों के साथ तो एक लूट हो ही रही है, पर सभी किसान भाइयों के साथ में मार्केट में एक षड्यंत्र चलता है, जो व्यापारी औने पौने दाम पर भाव में प्याज खरीदते हैं या फसल खरीदते हैं, पर जब हम लेने जाते हैं कोई भी दवाई या घर की खाद्य सामग्री हो, कपड़े हो या हमारे जो खाद्य सामग्री घरेलू सामग्री हो, उस पर MRP के हिसाब से या जो है वहाँ पर जो है उचित रेट नहीं लिए जाते और काफ़ी ज़्यादा लूटपाट की जाती है, तो आप उससे किसान भाई बच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहां पर क्लिक करके आप किसी भी वस्तु का फ्री में रेट जान सकते हैं और वहां से खरीदी भी कर सकते हैं। तो एक बार लिंक पर क्लिक जरूर करें और रेट जरूर जानें। तो किसान साथियों, खुशखबरी यही है कि प्याज का निर्यात चालू हो चुका है, सरकार ने प्याज का निर्यात खोल दिया है। अब बात करें कितना निर्यात होगा प्याज, तो 3 लाख मेट्रिक टन प्याज का सीधा निर्यात जो है सरकार ने खोल दिया, और 3 लाख मेट्रिक टन जब तक प्याज का निर्यात होगा तब तक निर्यात चालू रहेगा। अब बात करें बांग्लादेश को कितना निर्यात होगा प्याज, क्योंकि नासिक प्याज भी अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से चल रहा है, और उसकी अगर बात करें तो 50,000 मेट्रिक टन जो प्याज है वह बांग्लादेश को सीधा निर्यात होगा। बाकी का प्याज दूसरी जो गल्फ कंट्रियाँ हैं, दुबई, जो श्रीलंका और भी अन्य जो मलेशिया वगैरह हैं जहाँ पर प्याज भारत से जाता है, तो वहाँ पर भी प्याज का निर्यात होगा। साथ ही साथ 50,000 मेट्रिक टन प्याज का निर्यात सीधा बांग्लादेश को भी होगा, जिससे कि छोटे बड़े मध्यम और सभी तरह के प्याजों में उछाल आएगा, क्योंकि निर्यात सभी देशों को खोला गया है और लगभग 3 लाख मेट्रिक टन प्याज जब तक निर्यात होगा तब तक निर्यात की जो है अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, जो कि किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक प्याज के भाव हम देख रहे थे 5 रुपये, 6 रुपये और ऊपर में 10 रुपये से ऊपर प्याज नहीं बिक रहा था, जिसमें उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही थी और किसान भाई काफ़ी निराश, हताश और दुखी था। उसी जो दुख को जो शेतकरी संघ हैं या खेती के जो हमारे संघ हैं, उन्होंने आगे बात बढ़ाई और आप सभी का सहयोग रहा, जिससे कि सरकार के कान तक यह बात पहुंची, किसानों का दुख पहुंचा और उसने सरकार ने आगामी जो है मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसानों की मदद करने का फैसला लिया, और जो है उन्हें पौने दाम पर अगर भाव प्याज का बिक रहा था तो वो सरकार की निगाह में आया और उन्होंने 3 लाख मेट्रिक टन प्याज निर्यात की अनुमति सीधे दे दी है, जिसमें 50,000 मेट्रिक टन प्याज बांग्लादेश को जाएगा। अब बात करें कि ये तो प्याज निर्यात होगा, अब इसका सीधा असर प्याज के भाव पर क्या पड़ेगा, तो किसान साथियों, जब प्याज की आपूर्ति घरेलू मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत जितनी होती है उससे आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर भाव गिरता हुआ मिलता है। पर अगर जो प्याज 3 लाख मेट्रिक टन अब बाहर जाएगा, तो घरेलू डिमांड है उसकी अपेक्षा बराबर या समांतर रूप से आवक और पूर्ति जो है समांतर हो जाएगी, जिसके कारण हमें प्याज के भाव में 7 से 8 रुपये का कम से कम उछाल आता हुआ दिखेगा और भाव प्याज का एक सम्मानजनक स्कोर तक चला जाएगा या स्तर तक चला जाएगा, जो कि 15 से 18 रुपए बिकना चाहिए। पर किसान भाइयों को उसके लिए सब्र करना होगा, धीरे धीरे अच्छा पकाकर प्याज ले जाना होगा, क्वालिटी वाला प्याज 12 से 15 रुपए, 18 रुपए तक भी बिक सकता है। अगर आप क्वालिटी बनाकर जल्दबाजी ना करें और क्वालिटी बनाकर अच्छा पकाकर माल ले जाएंगे तो उसमें आपको अच्छा फायदा मिलेगा और लगभग अभी जो 7 से 8 रुपए प्याज चल रहे हैं वह 15 रुपए तक भी बिक सकता है। ये फर्क जरूर पड़ेगा और इसका सीधा
का असर आज से ही शुरू हो जाएगा। आप मंडी में जाकर देखोगे या जो बड़ी मंडियाँ सेंटर हैं वहाँ पर आज से ही लेवाली अच्छी देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छे रुझान दिख रहे हैं इस सरकार के फैसले के, और लगभग आज ही 5 से 6 रुपए की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और आगे जाकर यह तेज़ी 7 से 8 रुपए 9 रुपए तक भी हो सकती है, जो कि किसान भाइयों के लिए अच्छी बात है। तो यह थी प्याज के निर्यात से संबंधित जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी इससे संबंधित कोई जानकारी है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।